जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण गोरखपुर व 11वीं वाहिनी एनडीआरएफ के संयुक्त तत्वाधान में आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्य संबंधी मेगा मॉक एक्सरसाइज कार्यक्रम का आयोजन 10 अप्रैल को होटल क्लार्क में किया जाएगा, जिसकी तैयारी बैठक अपर जिलाधिकारी राजस्व मेगा मॉक एक्सरसाइज कार्यक्रम के नोडल अधिकारी विधान जायसवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुआ। बैठक में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी विपुल कुमार श्रीवास्तव, 11वीं वाहिनी एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट पीएल शर्मा, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर एसएन त्रिपाठी, सहायक नगर आयुक्त डीके सिन्हा, तहसीलदार सदर संजीव दीक्षित, अग्निशमन विभाग के एसएफओ रमाशंकर सिंह, एसएसबी के स्टाफ ऑफिसर वीरेंद्र सिंह, कर्नल अनुराग सूद, आत्म प्रकाश यादव, सत्य प्रकाश सिंह, अनुज रंजन, बीएल आनंद, उर्वशी तिवारी मौजूद रहे। बैठक का संचालन आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने किया। गौरतलब है कि शासन के निर्देशानुसार जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण व एनडीआरएफ के संयुक्त तत्वाधान में 10 अप्रैल को क्लार्क होटल में मेगा मॉक एक्सरसाइज किया जाना है, जिसमें जनपद में राहत एवं बचाव कार्य से संबंधित समस्त विभाग अपना योगदान देंगे। बैठक में विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य तथा संभावित आपदा के दृष्टिगत उनकी तैयारियों की समीक्षा की गई, जिसमें संबंधित विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंपी गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया। ऑल ओवर इंडिया ये हो रहा है, एनडीआरएफ के डायरेक्शन में यूपी में कुछ जगहों पे लिया गया है, बनारस एनडीआरएफ बनारस और गोरखपुर कर रही है, इस लिहाज से ये सेंसिटिव है। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों के सहयोग से हम लोग इस मॉक एक्सरसाइज को बेहतर बना पाएंगे। अपने बारे में बताएं कि आप लोगों की अभी तैयारी करेंगे, फिर लास्ट में 9th को हम लोग ये फाइनली आप लोगों की क्या एक्चुअल हम लोग अपने पूरा तैयारी भी कर रखी है एंड को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक जनरल आइडिया मिल जाएगा। आप लोगों की प्लानिंग क्या है, भी काम किया गया है, उससे हमारी कौन से हम लोगों ने अभी संबंध में अभी सर अभी जैसे आज बात हो गई, हम लोग डिटेल मालूम हो गया। ठीक है, 9 तारीख को 9 तारीख को आप प्लीज़ बताइएगा कि आपके कितने आ रहे कैडेट्स, सो दैट कि उनको हम लोग जो कैडेट्स आएंगे आप उनका प्लीज़ हमें लिस्ट में प्रोवाइड कर दीजिए। थैंक यू। मेडिसिन रहेगा, कंट्रोल रूम एक तैयार किया, और हमारा होता है सर। और प्रारंभिक सबसे पहला काम जो रहता है, जैसा भगवत जी ने बताया जी कि क्षति का आकलन, उसके लिए बकायदा हम लोग एक टीम गठित कर लेंगे सर, आज ही बना लेता है, उसके पूरे डिटेल्स सर आपको प्रोवाइड करा देगा सर। और एज पर रिक्वायरमेंट सर जो भी हम लोग को निर्देशित किया जाएगा। एक मेरा सर सुझाव था, इसमें सबका नंबर डिस्प्ले हो जाए आज ही, तो सभी विभाग के लोग आपस में एक कम्युनिकेशन प्लान टाइप का व्हाट्सएप ग्रुप एक सर मिल जाए। पिछले बार भी सर आपने जब भी क्या रोल करवाना क्या नहीं टॉप से पहले आपके स्कूल से बता दूँगी कि उनका रोल प्ले क्या हो, आप डायरेक्टली उसी में जाना सकते हैं। हमारे पास टाटा मैजिक है और इस तरीके से पास काफ़ी सामान है, हमारे पास 19 पानी के टैंकर हैं, जहाँ पानी के टैंकर जो वहाँ पानी हम लोग प्रोवाइड करा सके क्षेत्र के अंदर। उसके अतिरिक्त कहीं बिजली के कनेक्शन काटने हो या पचास की व्यवस्था करना हो, हमारे पास 9 एलिवेटर्स हैं जो पूरे शहर में कवर कर सकते हैं, तो इक्विपमेंट्स हमारे पास काफ़ी हैं। और नगर निगम एक काफ़ी बड़ा रोल वो प्ले करता रहा है, वो करता जाएगा। और जितने भी कोऑर्डिनेशन नगर निगम का मेन काम है, अपने इक्विपमेंट से लोगों से कोऑर्डिनेट करना, तो हम लोग उसको पूरी अंजाम देंगे। अगर मॉल या दूसरा होता तो लोग और ज़्यादा होता, लेकिन हम पूरे लोग जो गेस्ट उसमें हैं, जो लोग और जो का स्टाफ है, वो सारे जब सिचुएशन जब ट्रिगर हम करेंगे कि ये सिचुएशन हो गई, वो रियली ऐसा कि रोल प्ले करते हुए आएंगे, जैसा होता 30 से 40 आदमी स्पेयर हो जाए, मुझे क्या है आदमी से भी मैं हमको टेस्ट करता है। अफसर जैसे हमारा एक्सपेंसर होता है, उसी तरह की होती है कि हमारे रखी में कौन है, जो हम नहीं पाते, अगर ऐसी आपदा में आते हैं तो कौन है हमारे पास, बेसिकली हम लोग 10 तारीख को 10 अप्रैल 2019 को हम लोग एक मेगा मॉक ड्रिल कर रहे हैं, जिसमें एनडीआरएफ और जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण गोरखपुर के संयुक्त तत्वाधान में यह मॉक ड्रिल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। क्योंकि जनपद गोरखपुर भूकंप के लिहाज से
सेस्मिक जोन 4 में आता है, इसलिए ये अति संवेदनशील क्षेत्र है। तो एक तो भूकंप को लेकर के और साथ ही जो रासायनिक लीकेजेस होते हैं, इन सब चीज़ों को लेते हुए एक पूरा हम लोग एक मॉक ड्रिल कर रहे हैं। इस मॉक ड्रिल में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी हम राहत एवं बचाव कार्य से संबंधित एजेंसियां हैं, वे सभी इसमें प्रतिभाग कर रही हैं। पुलिस डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, एनसीसी भी है, एसडीआरएफ जो कि अभी नई गठित हुई है, तो एसडीआरएफ की फोर्स भी इसमें पहली बार एक मुख्य अभ्यास कार्यक्रम में हम लोगों के साथ रहेगी। इसके अलावा हमारे और भी जो नागरिक सुरक्षा, जो कि एक सबसे अच्छा संगठन है, जो कि एक जन समुदाय का संगठन है, वे भी इसमें एक्टिवली रूप से पार्टिसिपेट कर रहा है। आपदा मित्र, जो एक हमारे गोरखपुर में 200 आपदा मित्रों ने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है एनडीआरएफ द्वारा, वे भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं। नेहरू युवा केंद्र की भी टीम इसमें प्रतिभाग कर रही है। ये सारी एजेंसीज जो हैं और ये लोग सभी लोग अपना अपना रोल प्ले करेंगे उस दिन, ताकि ये एक मैसेज हम लोग गोरखपुर वासियों को देना चाहते हैं कि वे सुरक्षित है। और ये तमाम एजेंसियाँ जो कि गोरखपुर में हैं, स्थापित हैं, वे सभी अपना इसमें सहयोग प्रदान करेंगी, जिससे कि सभी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें।